हेलो गाइस, तुम सब लोग कैसे हो? आई होप तुम सब लोग अच्छे हो और मज़े में हो, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं तुम लोगों के साथ आज ए डेली वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ, और जो विलेज स्टाइल मॉर्निंग रूटीन होता है बस वही वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप तुम सब लोगों को अच्छा लगेगा। ये वाला रूम देख लो, ठीक है? बहुत गंदा कर रहा है। ये वाला रूम सिर्फ नहीं है, बस थ्री रूम्स यहाँ ऊपर का जो थ्री रूम्स है, बस थ्री रूम ही बस गंदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिस्तर पे बहुत सारा ढेर सारा वहाँ पर कपड़ा वगैरह है, क्योंकि मैं कल सुबह से शूट करने के लिए बहुत बिजी था, तो कल ये सब बिस्तर क्लीन नहीं कर पाया, तो इसलिए आज बहुत गंदा हो गया। तो चलो आज फर्स्ट टाइम मैं ये वाला रूम और थ्री जो रूम्स है तो क्लियर कर लूँगी। और आज मैं थोड़ा हिंदी में बात कर रहा हूँ ब्लॉग्स में, क्योंकि मेरा और बहुत सारा दोस्त मुझे बोलती है कि बस हिंदी में ब्लॉग्स डालो, हिंदी में ब्लॉग्स डालो। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हिंदी में बात कर लूँ तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज़ गलत बोलूँगी, लेकिन प्लीज़ चुन चुन के बस वो मुझे बस मेंशन मत करो। तो चलो मैं हिंदी में आज ब्लॉग्स कर रहा हूँ, तो कैसा तुम लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो थ्री रूम्स हैं जो बहुत गंदा है, तो चलो थ्री रूम्स पहले क्लीन कर लेती हूँ। और मेरा जो रूम है उसमें अद्रिजा, अश्मिता और उसका पापा अभी भी सो रहा है, तो चलो देखती हूँ क्या करूँगी उस लोगों का। और साथ में क्या बोलूँ, और चलो और कुछ नहीं बोलना है, तो चलो बस काम में लग जाती हूँ सुबह। और अभी सुबह 7:45 हुआ है एम, तो चलो यहाँ से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मेरा फर्स्ट फ्लोर का जो काम है और बर्तन धोने का, वो मेरा सासूमा ने कर लिया सुबह सुबह, वो काम नहीं करती हूँ मैं, माँ कर लेती है, तो चलो माँ उस काम कर लिया। जो बर्तन धोने का काम और फर्स्ट फ्लोर का जो झाड़ू लगाने का काम, वो माँ कर लिया। और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये मेरा हिस्सा है, तो चलो ये वाला रूम मैं सब कर लेती हूँ। तो चलो तुम लोगों के साथ मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहा हूँ, तो चलो। तो यहाँ पर देखो ढेर सारा कपड़ा है, मेरा एक्सप्रेशन तो देखो। तो चलो ये सारा कपड़ा वगैरह मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि दो दिन नहीं फ़ोल्ड किया, तो इस रूम में कोई नहीं रहता है, तो इस छत में बस वो सूखा कपड़ा ले जाके बस वही घर पर फेंक देती हूँ, बाद में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। लेकिन दो दिन फोल्ड नहीं किया तो बहुत सारा कपड़ा जमा हो गया, तो चलो चुपचाप मैं बस फोल्ड कर लूँ, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये महारानी अभी भी सो रहा है, और वो महारानी भी एक रूम से यहाँ पर आकर वो भी सो रहा है, और एक महाराजा भी यहाँ पर सो रहा है। 8:30 हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। और यहाँ पर भी मेरा अलना पर भी बहुत बहुत ढेर सारा कपड़ा वगैरह है, क्योंकि वो जो शाम के टाइम में पहने थे तो बस वही वाला कपड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा क्लीन कर लूँगी, ठीक है? तो चलो तो क्लीन कर लेती हूँ। तो देख रहा हो यहाँ पे मैंने एडिट के टाइम में एक ट्विस्ट डाला है, तो देखो मेरा ट्विस्ट तो देखो, आ, 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 तो देख लिया ना मेरा ट्विस्ट। और ए वाला रूम भी मैंने सब कर लिया, लेकिन शेयर नहीं किया क्योंकि व्लॉग्स बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरा वाला भी रूम है, तो देखो यहाँ पर भी मैंने सब कर लिया, और मेरा रूम अभी नहीं क्लीन हुआ क्योंकि वो तीनों ने अभी बिस्तर पर है, और
मैं इस टाइम में क्या कर रहा हूँ कि मेरा घर पर झाड़ू और झाड़ू पोछ कर रहा हूँ। तो चलो ये तुम लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देखो उष्मिता पढ़ाई करने से बहुत डरते हैं, तो इसलिए अष्मिता यहाँ पर झूठा मूठा बस ऐसे ही कैसे कैसे सो रहा था दिखा दो एक बार। কই আসে নে দেখতাছি বলছে খেজুরের গুড় এসেছে
तो देख रहा है अब सब लोगों ने कि मेरा अभी काम है छत सफाई और वो काम मैं कर रही हूँ। अतिश्मिता बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है क्योंकि वो छत पर ही खेलती है हर टाइम और बहुत गंदा कर देती है। तो चलो इस ब्लॉग से मैं अभी विदाई लेती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।